वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप पाकिस्तान के फेमस एक्टर और डायरेक्टर कफायत हुसैन भट्टी और कैफी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके फिल्मी करियर के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहां पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जब सबसे पहले देख पाएंगे। पाकिस्तान के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर कैफी, जिनका असल नाम जो है वो कफायत हुसैन भट्टी था। कैफी 13 मार्च 1943 को गुजरात में पैदा हुए। कैफी इनका असल नाम जो है वो कफायत हुसैन भट्टी था और वो माजी के मकबूल तरीन गुलकार अदाकार अनायत हुसैन भट्टी के छोटे भाई थे। कैफी ने बतौर हदायतकार पहली फिल्म मुंह जोर 1966 में तख्लीक की। उन्होंने 1975 में एक उर्दू फिल्म बिखरे मोती बनाई, जिसमें अदाकार मोहम्मद अली, शबनम, निशो, वेजाला और सबीहा खानों ने भी इसमें अहम किरदार अदा किए। फिर उन्होंने पंजाबी फिल्म अल्टीमेटम बनाई, जिसकी हदायत और अदाकारी इन्होंने खुद की, जिसको फिल्म देखने वालों ने काफी पसंद किया। इससे अगले साल 1977 में उन्होंने फिल्म रोटी कपड़ा और इंसान शानदार कामयाबी हासिल की, जिसमें मोहम्मद अली, नदीम, दीबा, नजमा, गजाला, बदर मुनीर और कैफी ने खुद अदाकारी की। इसके अलावा उन्होंने मौला जट, एक शोहरा आफाक फिल्म जिसको आई थिंक हर कोई जानता है, और इन दिनों में इस फिल्म का रीमेक भी बना है जिसमें आज के मशहूर एक्टरों ने अदाकारी की है। उन्होंने मौला जट में बाला गोडी का किरदार जो है वो नहायत उमदा तरीके से निभाया। 1966 में उन्होंने फिल्म चंद मक्खना पर काम किया और ये फिल्म भी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। चंद मक्खना फिल्म के गीत पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मशहूर हुए। इसका एक गीत चंद मेरे मक्खना आज भी लोगों की जुबान पर आम है और चंद मक्खना की कामयाबी से ही कैफी को बतौर हदायतकार फिल्मी सनत में एक पहचान मिली। फिर इसके बाद इन्होंने सज्जन प्यारा बनाई, जो कि एक कामयाब फिल्म साबित हुई और ये इनकी ऐसी फिल्म थी जिसमें ये बतौर हीरो जो है वो पहली दफा पर्दे स्क्रीन पर जाहिर हुए। फिल्म मौला जट में इनके साथ दारू नथनी का किरदार जो है वो इनकी रियल लाइफ हकीकी जिंदगी में इनकी बीवी जो है अदाकारा चकोरी, उन्होंने इनके साथ ये किरदार अदा किया। बतौर हदायतकार इनकी फिल्मों में सज्जन दुश्मन, आखिरी दुश्मन, सच्चा सौदा, हंस दे आओ ते हंस दे जाओ, जग्गा गुजर, ऐलान, दंगल, शाह बहराम, हक सच, इश्क रोग, मोहम्मद खान, मच दिल और मैदान जैसी फिल्में शामिल हैं। इनकी जाती जिंदगी के बारे में अगर बात की जाए, अदाकार कैफी ने अपनी जिंदगी में दो शादियां की और ये दोनों शादियां जो है वो अपने वक्त की मशहूर अदाकाराओं के साथ की। इन अदाकाराओं के नाम गजाला और चकोरी है। अदाकारा गजाला बेगम से कैफी के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और अदाकारा चकोरी से इनके दो बेटे पैदा हुए, हसन कैफी और असद कैफी। असद कैफी जो है वो आजकल अदाकारी के शोबे से मुंसलिक हैं। अदाकार कैफी ने 2009 में वफात पाई। यूं तो वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन इनका फिल्मी काम और इनका बतौर हदायतकार और अदाकार एक काम जो है वो इनके जरिए हमेशा लोगों के दिलों और जहनों में जिंदा रहेंगे। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।